हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग डेटा ट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम सभी का टॉपिक ये है कि हम लोग नोबल लेक्चर का सेकंड पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने चैप्टर मतलब नोबल लेक्चर का पार्ट वन नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया है, आप उसे जाकर पहले देख ले, उसके बाद ही पार्ट टू को आप देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट वन को अच्छी तरह से नहीं समझिएगा आपको पार्ट टू उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड नाउ स्टार्ट द वीडियो। दे आर हर्ट बिकॉज दे आर फॉरगेटन एंड सी दिस वेयर लव्स कम दैट पॉवर्टी कम्स राइट देयर इन आवर ओन होम एवन नेग्लेक्ट टू लव मे बी इन आवर ओन फैमिली वी हैव समबडी हु इज फीलिंग लोनली हु इज फीलिंग सिक हु इज फीलिंग वरीड एंड देज आर डिफिकल्ट डेज फॉर एवरी वन आर वी देयर टू रिसीव देम इज द मदर देयर टू रिसीव द चाइल्ड। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टर अब मदर टेरेसा से कहती है, उनको बताती है कि ये लोग इसीलिए उदास रहते हैं क्योंकि इन लोगों को भुला दिया गया है उनके बच्चों के द्वारा। और देखो कि प्यार जो माता पिता अपने बच्चों से इतना करते हैं, वो बच्चे एक दिन क्या करते हैं, अपने माता पिता को भुला देते हैं और प्यार जो रहता है यहीं पर उनका ख़त्म हो जाता है। लेकिन माता पिता का प्यार कभी अपने बच्चों के प्रति ख़त्म नहीं होता है, बच्चे ही भुला देते हैं उन्हें। और ये लाइफ की जो बात है वो बहुत ही सच्ची बात है। और कितने बार तो ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स के बूढ़े हो जाने के बाद और बच्चों के बड़े हो जाने के बाद बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ कर भूल ही जाते हैं, मानो अपने लाइफ में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके कोई माता पिता भी है जिनको वे वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आए हैं और ना ही उनसे कभी मुलाकात करने जाते हैं। और सिस्टर अब मदर टेरेसा से ये भी कहती है कि मैंने बहुत घर में ऐसा भी देखा है, मतलब अब मदर टेरेसा और सिस्टर डिस्कस कर रही है कि बहुत सारे घर में भले ही ओल्ड पेरेंट्स जो रहते हैं वो घर पे ही रहते हैं अपने फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी वो जो पेरेंट्स रहते हैं बहुत ही उदास रहते हैं। क्यों? इसका रीज़न है यही कि सब बच्चे अपने उनकी भी फैमिली हो जाती है बड़े हो जाने के बाद, तो वो लोग अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं, वो जो ओल्ड टू पर्सन्स रहते हैं उनके मम्मी पापा, वो अलोन हो जाते हैं खुद में। फिर बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि बीमार घर पे पड़े रहते हैं, बहुत ऐसे कि वो लोगों को अपने घर के अपना परिवार का टेंशन रहता है। और ये सब जो दिन रहते हैं बुढ़ापा के, कुछ दिन के ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है। और कभी तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई बच्चा को उनके माता पिता स्कूल छोड़कर आते हैं और फिर छुट्टी होने के बाद वो उन्हें वापस घर लाना भूल जाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उन्हें जब वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं तो मानो ऐसा कि उन्हें भूल ही जाते हैं, कि दोबारा ना कभी उन्हें लाने जाते हैं, लाना तो दूर की बात, उनसे मिलने तक नहीं जाते। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड इन द वेस्ट टू सी सो मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स गिवन इन टू ड्रग्स and I tried to find out why is it like that and the answer was because there is no one in the family to receive them. Father and mother are so busy that they have no time. Young parents are in some institution and the child takes back to the street and get involved in something. We are talking of peace. These are that which breaks the peace. अब यहाँ मदर टेरेसा अपनी दूसरी घटना को सबके सामने प्रस्तुत करती हुई कहती है कि जब मैं वेस्ट गई हुई थी, मतलब कि विदेश में थी, तो वहाँ पे मैंने वहाँ जाके ये चीज़ पाया था कि वहाँ के जितने भी युवा और युवतियाँ हैं, मतलब कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो लोग जो है ड्रग्स का सेवन करते हैं। और मैं ये खोजने की कोशिश की, इसका पता चलने की कोशिश की कि आखिर ये होता क्यों है, बच्चे यहाँ के सब ड्रग्स क्यों लेने लगते हैं। तो मुझे ये पता चला, क्योंकि जो उनके माता पिता है, उनके जो परिवार है, वो लोगों को अपने बच्चों के
पास थोड़ा सा भी टाइम देने का वक्त नहीं है, अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि विदेश में आप अधिकतर सुनते होंगे कि पापा के साथ साथ वहाँ पर उनकी मम्मियाँ भी कुछ ना कुछ काम करती है और बच्चे को घर पे नौकरों के सहारे छोड़ दिया करती है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसीलिए उनके पापा मम्मी या उनके परिवार के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि ये जो बड़े बच्चे लोग रहते हैं ये क्या कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन स्कूल्स वगैरह हॉस्टल्स में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग के माता पिता उन लोग से दूर है, वो लोग अपने मम्मी पापा से दूर है, तो वो लोग बाहर रह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए बाई चांस दोस्त लोगों का संगति ख़राब ही रहा तो क्या होगा, वो लोग ख़राब रास्ते पर चले जाएंगे और माता पिता तो रहेंगे नहीं उन्हें देखने के लिए। और छोटे बच्चों के साथ क्या रहता है कि वो लोग के साथ वो लोग का माता पिता का टाइम नहीं स्पेंड हो पाता है, तो वो लोग रोड के बच्चों लोगों के साथ या फिर जो बदमाश लड़के लड़कियां रहती हैं वो लोग के साथ वो लोग का संगति हो जाने के कारण ये वो लोग को ड्रग्स का आदत हो जाता है या फिर कुछ बुरा बुरा काम करने लगते हैं। और मदर टेरेसा जब ये स्टोरी बताई तो वो बोली कि हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इस देश में शांति कैसे लाई जाए या फिर इस पूरी दुनिया में शांति कैसे लाई जाए, क्योंकि हर जगह पे देखा जा रहा है दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ही है। जैसे हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ हलचल है, लड़ाई झगड़ा है, किसी में एकता नहीं है कुछ इस तरह का। तो वही बोल रही हैं कि ये सब जो कारण है, आखिर बच्चे हमारे देश के फ्यूचर है, लेकिन वो लोग बचपन से ही अगर गलत रास्ता पकड़ते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है देश का वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे कि यही सब जो कारण है हमारे देश के पीस को ब्रेक कर रहा, हमारे देश के शांति को तोड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लिए हैं तो अब हम लोग आगे चलते हैं। बट आई फील द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टूडे इज़ एबॉर्शन बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट वार, a direct killing, direct murder by the mother herself, and we read in the scripture, for God says very clearly, even if a mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hand. We are carved in the palm of his hand, so close to him that unborn child has been carved in the hand of God. अब यहाँ मदर टेरेसा जब पहली दो घटनाओं को बता देती है कि एक जो ओल्ड पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, दूसरे जो बच्चे लोग बुरे संगति में आ जाते हैं, तो ये तीसरा ये हमारे देश की बुराइयों को बताती है जो कि सबसे बड़ा हम लोग का पीस को ब्रेक कर रहा है, और वो क्या है, एबॉर्शन, मतलब कि बच्चे को धरती में आने से पहले ही उन्हें मार देना। तो मदर टेरेसा बोलती है कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो पीस जिससे ब्रेक हो रहा है, शांति जिससे ख़त्म हो रहा है, भंग हो रहा है, वो कारण है एबॉर्शन, कि खुद ब खुद ही एक माँ अपने बच्चों को अपने ही हाथों से मार देती है। तभी हम लोग बहुत सारे बुक्स में या क्रिश्चियंस के बाइबल्स में पढ़ते हैं कि खुद यहाँ पर हम लोग को जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि भले ही तुम्हारी माँ तुम्हें मार देती है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए लेकर कोई माया दया नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें अपने हाथों में बनाया है, अपने हाथों में रख कर तुम्हें आकृति दी है कि तुम इस तरह से रहोगे दिखने में, तो तुम्हें अगर यहाँ से मार कर वापस भेज दिया जा रहा है मेरे पास, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। भले ही तुम धरती में नहीं रहे लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो अब। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। एंड दैट इज़ वॉट स्ट्राइक्स मी मोस्ट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट इवन इफ अ मदर कुड फॉरगेट समथिंग इम्पॉसिबल बट इवन इफ शी कुड फॉरगेट आई विल नॉट फॉरगेट यू एंड टुडे द ग्रेटेस्ट मीन्स द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉय ऑफ पीस इज अबॉर्शन And we who are standing here, our parents wanted us. We would not be here if our parents would do that to us. Our children, we want them, we love them, but what of millions? Many people are very, very concerned with the children in India, with the children in Africa, where a quiet number die. Maybe of malnutrition, of hunger and so on, but millions are dying deliberately by the will of the mother, and this is what is the greatest destroyer of peace today.
और मदर टेरेसा अब बोल रही है कि जो इस घटना के बारे में मैंने बात बताई, तो उसमें जो सबसे पहले मैं ये बात बताई, भगवान ने अपने हाथों से बनाया है बच्चों को, तो इसलिए भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे उन्हें, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात किनको बहुत अच्छी लगी? वो मदर टेरेसा को, ठीक है। तो जब मदर टेरेसा ऐसी ऐसी बातें हम लोग को बताती है, तब वो कहती है कि इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि जो बच्चों को मार दिया जाता है खुद अपनी माँ की हाथों से, वही सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। क्या चीज़ का? तो शांति का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर कौन है? तो ये अबॉर्शन। और उसके बाद फिर मदर टेरेसा ये भी बोलती है कि जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, हम लोग हमेशा अपना बच्चा का साथ दें और हमेशा हम लोग अपने बच्चे को यहाँ मांगते हैं। मदर टेरेसा अब ये भी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रखना है अपने बच्चे को अपने पास, तो तुम उसका अबॉर्शन मत कराओ, तुम मुझे दे दो, मैं उन सारे बच्चों की देखभाल करूँगी, मैं उन लोगों को चाहती हूँ तुम लोग से, तुम लोग अब मुझे दे दो अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो। तब फिर उनके बाद ये सब भी वो थोड़ा अफ्रीका की कहानी में आकर वो बताती है कि ये सब जो है सिर्फ इंडिया का ही हाल नहीं है कि बच्चों को मार दिया जाता है या बच्चे भूख से भी मरते हैं, ये सब जो है अफ्रीका में भी होता है कि बहुत बच्चे, मतलब मिलियंस में बच्चे जो है एकदम लगातार माल न्यूट्रिशन, मतलब कि भूख के वजह से मर जा रहे हैं। और वो इसीलिए कहती है कि तुम मुझे अगर मेरे पास भेज दोगे तो मैं उसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा भी करूँगी, उन्हें रोड में घूमने नहीं दूँगी कि उन्हें गलत संगति का असर पड़े, और जो बच्चे को तुम रखना नहीं चाहती वो तुम मेरे पास छोड़कर चले जाओ, वो मेरे बच्चे हैं। ये सब मदर टेरेसा अब सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है वहाँ स्टेज में खड़ी होकर सबके सामने। बिकॉज इफ़ अ मदर कैन किल हर ओन चाइल्ड, what is left for me to kill you and you kill me, there is nothing between, and this I appeal in India, I appeal everywhere, let us bring the child back, and this year being the child's year, what have we done for the child? At the beginning of the year I spoke everyone and I said, us make this year that we make every single child born and unborn wanted, and today is the end of the terrifying. We are fighting abortion by adoption. We have saved thousands of lives. We have sent words to all the clinics, to the hospitals, police stations. Please don't destroy the child. We will take care of the child. So every hour of the day and the night, it is always somebody. We have quite number of unwedded mothers. Tell them, come. We will take care of you. We will take the child from you. And we will get a home for the child. अब यह मदर टेरेसा कहती हैं कि क्यों ना हम लोग जितने भी बच्चे जो अनबॉर्न हुए, मतलब अभी तक जन्म ले लिए हैं, और जो बच्चे बॉर्न हो गए हैं, जन्म ले लिए हैं लेकिन कुछ ना कुछ कारण से मर जाते हैं, वो लोग को बचा लिया जाए, और इस साल को हम लोग को चाइल्ड ईयर्स के नाम से मनाना चाहिए। और फिर इसके बाद ये भी मदर टेरेसा डिस्कस करती हैं सबके साथ कि जैसे बच्चों को अगर माँ जन्म देने का पहले ही अगर मार देती है, तो उनका और भगवान का बीच में अंतर क्या हो जाएगा? क्योंकि भगवान का ही सारा काम है, भगवान ही एक इंसान को धरती पे भेजते हैं तो उसके सारे कर्मों को लिख कर भेजते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि भगवान उसे फिर अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन इसमें तो इंसान क्या करते हैं कि भगवान की चलने ही नहीं देते हैं और जाके बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसे मार देते हैं। तो इसीलिए मदर टेरेसा कहती है कि मैं इस साल सभी हॉस्पिटल्स, सभी पुलिस स्टेशंस और जितने भी जगह पे बच्चों को जन्म दिया जाता है, सभी जगहों में मैंने बोल दिया था कि प्लीज़ आप बच्चों को मारिएगा मत, जितने भी बच्चे नहीं चाहती हैं उनकी माँ की उनके पास रहें, तो वो आप मुझे लाकर दे दीजिएगा, और ऐसा करने से बहुत तादाद में बच्चे जो है मेरे पास आए और मैं वो लोगों का पालन पोषण भी कर पाई, और मैं
जो कुंवारी लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो लोग से भी मैंने कह दिया कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप वो बच्चा को हमें ला कर दीजिए, ऐसे हम लोग आपकी भी केयर करेंगे और आपके बच्चे के भी देखभाल हम लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग बच्चों को कब जन्म दें या बच्चों को कब मार दें। तो चलिए दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा, जिससे आपके दोस्त लोग इसे अच्छी तरह से समझ सके। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ऐसे हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस रहेंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ की ओर। And we have a tremendous demand from families who have no child. That is the blessing of God for us. And also we are doing another thing which is very beautiful. We are teaching our beggars, our leprosy patients, our slum dwellers, our people of the street, natural family planning. और अब मदर टेरेसा बताती हैं कि अगर वो बच्ची ले लेती है, उनका देखभाल करती है, तो उसके बाद उनके पास बहुत सारे ऐसे भी डिमांड आते हैं जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, जिनके माता पिता को बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं मदर टेरेसा से कि आपके पास जो अनाथ इतने बच्चे हैं वो हमें दे दीजिए। तो ये सब हमारे लिए भगवान के एक आशीर्वाद ही हैं जो कि हम लोग दूसरों की सहायता कर पा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं बल्कि हम लोग जितने भी गरीब इंसान हैं, भिखारी लोग जो रहते हैं, उन्हें हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, लेप्रोसी पेशेंट्स लोगों की हम लोग देखभाल करते हैं, बाहर में जो घूमते फिरते रहते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है उन्हें भी, उनकी भी हम लोग मदद करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जितने भी स्ट्रीट में पीपल्स लोग रहते हैं वो लोगों को एक रहने के लिए जगह देते हैं, और जितना भी फैमिली में कैसे रहना चाहिए कि शांति आए, ये सब चीज़ का प्लानिंग भी हम लोग सभी कोई को सिखाते हैं। And in Calcutta, alone in 6 years, it is all in Calcutta. We have had 61,273 babies less from the families who would have had. But because they practice this natural way of abstaining, of self-control out of love for each other, we teach them the temperature meter, which is very beautiful, very simple, and which our poor people understand. And you know what they have told me? Our family is healthy, our family is united, and we can have a baby whenever we want. So clear, those people in the street, those beggars, and I think that if our people can do like that, how much more you and all the others who can know the ways and means without destroying the life that God has created in us. अब हमें मदर टेरेसा बताती हैं कि वो जब कलकत्ता में थी तो वो 6 साल तक वहाँ पर अकेले रही, तब तक उन्होंने ये सब अपना जो काम है स्टार्ट नहीं किया था। तभी वो उन्होंने पाया कि 61,273 बेबीज़ जो है ज़्यादा है, इतने हमारे कलकत्ता में इतनी आबादी नहीं है फैमिली पेरेंट्स की, लेकिन इतने बच्चे ज़्यादा है। ये अब क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के इतने इतने बच्चे हो जाया करते थे पहले और उनकी देखभाल कोई नहीं करता था। तो वही मदर टेरेसा ने फिर वो लोगों को सिखाया कि इतने बच्चे पैदा करने से नहीं होगा, आप एक को दो को ही पैदा करो, लेकिन उन्हें अच्छे से रखो, उनका ख्याल रखो, उन्हें अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और एक अच्छा देश का नागरिक बनाओ। तब फिर जब ये सब चीज़ वो लोग समझ गए तो वो लोग फिर मदर टेरेसा से बोलते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, अब हम लोग भी जब हम लोग जितने बेबीज़ हम लोग पाल सकते हैं, उसका न्यूट्रिशन, उसका खाना पीना हम लोग जितने का देख सकते हैं, अब हम लोग भी उतने ही बच्चे तक सीमित रखेंगे, उससे ज़्यादा बच्चे अब पैदा नहीं करेंगे। तब मदर टेरेसा को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो, ये लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करके कम से कम बच्चों का अबॉर्शन तो नहीं करा रहे, बल्कि जितना एक छोटा फैमिली अच्छा फैमिली हो सकता है उस तरह का बात ये लोग अब समझ गए हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The poor people are very great people. They can teach us so many beautiful things. The other day, one of them came to thank and said, "You people who have vowed chastity, you are the best people to teach us family planning.
Because it is nothing more than self-control out of love for each other. And I think they said a beautiful sentence. And these are people who maybe have nothing to eat, maybe they not have home where to live, but then also they are very great people. तो मदर टेरेसा अब हमारे को यहाँ पे दूसरी और कहानी सुनाती हैं और घटना सुनाती और बताती हैं कि एक दिन एक इंसान आया, वो गरीब था और वो उन्होंने आकर के मुझे थैंक कहा. क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो संस्था था वो लोगों को सिखाया कि फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं और एक घर में कितने बच्चे सीमित रखने चाहिए. तो उनके ये सब समझ जाने पर उन्होंने हमारी संस्थान को मुझे थैंक्स किया. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पुअर पीपल लोग से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख जाते हैं. और क्योंकि भले ही पुअर पीपल लोग के पास घर नहीं रहता है कि वो रहें, उनके पास खाने को कुछ नहीं रहता है, उन लोगों के पास कपड़े पहनने को नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है बहुत ही महान इंसान होते हैं. कम से कम वो लोग दिल के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं कि अगर हमने उन्हें कुछ अच्छा बताया तो वो बाद में हमारा नाम तो लेते हैं, हमें थैंक्स तो करने आते हैं. तो चलिए दोस्तों, ये हो गया है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. दे आर वेरी वंडरफुल पीपल. वन इवनिंग वी वेंट आउट एंड वी पिक्ड अप four people from the street, and one of them was in a most terrible condition, and I told the sisters, you take care of the other three, I take care of this one that looked worse. So I did for her all that my love can do. I put her in bed, and there was such a beautiful smile on her face. She took hold of my hand as she said one word, only thank you, and she dead. अब यहाँ पर मदर टेरेसा अपनी एक अलग और घटना सुनाती है कि एक दिन मदर टेरेसा अपने साथियों, अपने सिस्टर्स लोगों के साथ बाहर गई थी, रोड पर निकली थी. तो उन्होंने वहाँ पर चार गरीब इंसान को देखा, तो वहाँ से वो लोगों को मदर टेरेसा अपने संस्थान में उठाकर ले आई. और वो लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. तो मदर टेरेसा ने सिस्टर्स को कहा था कि इन तीनों की देखभाल आप करो, और जाकर जो एक इंसान उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो उसकी देखभाल मैं करूँगी. तभी मदर टेरेसा उस औरत को लेकर जाती है, बेड पर सुलाती है, अपना जितना प्यार हो सके उतना प्यार भी उसे देती है कि उसे प्यार से कुछ सहानुभूति मिल सके. लेकिन वो औरत इतनी ही ख़राब कंडीशन में रहती है कि बस वो मेरे हाथों को पकड़ती है और मुझे थैंक यू कहकर वो अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर वो इस दुनिया से विदा ले लेती है. इसका मतलब यही हुआ कि उस औरत के मरने या जीने से उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन कोई ना कोई उसकी सहारा किया, उसका मदद किया. तो इसीलिए वो औरत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मदर टेरेसा ने मेरा साथ दिया, कम से कम मेरे को लेकर तो आई. और इस चीज़ को थैंकिंग करने के लिए वो बस उनका हाथ पकड़ के थैंक यू बोलती है और फिर वो दुनिया से विदा ले लेती है. तो दोस्तों चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं. I could not help but examine my conscience before her, and I asked what would I say if I was in her place, and my answer was very simple. I would have tried to draw a little attention to myself. I would have said I am hungry, that I am dying, I am cold, I am in pain or something. But she gave me much more. She gave me her graceful love, and she died with a smile on her face. अब मदर टेरेसा यहाँ पे अपने आप के बारे में सोचती है कि आखिर ये मुझे थैंक यू कहकर क्यों इस दुनिया से चली गई, इसने मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं. तो अब मदर टेरेसा अपने ऊपर ये सब लेकर सोचती है और कहती है कि अगर मैं इस जगह पे रहती तो मैं उस औरत से कहती कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं भूखी हूँ, उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचती कि वो मेरी सहायता कर सके. मैं बोलती कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे बुखार है, मैं फीवर से तड़प रही हूँ. लेकिन वो जो औरत थी वो कुछ भी नहीं की, बल्कि सिर्फ एक स्माइल और अपना एक प्यार देकर वो इस दुनिया से चली गई. As that man whom we picked up from the drain, half eaten with worms, and we brought him to the home, I have lived like an animal in the street, but I am going to die like an angel, loved and cared for.
एंड इट वॉज सो वंडरफुल टू सी द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन हु कुड स्पीक लाइक दैट हु कुड डाई लाइक दैट विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी विदाउट कर्जिंग एनीबडी विदाउट कंपेयरिंग एनीथिंग लाइक एन एंजल दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर पीपल. अब मदर टेरेसा यहाँ पे वो एक इंसान और एक इंसान के बारे में बताती है कि उन तीनों में से एक और आदमी था जिसको हमने उठा कर लाया था क्या में से नाला में से, और नाला में वो पड़ा पड़ा उसे बहुत सारे जो वॉर्म्स थे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं पिल्लू रहते हैं उन्होंने उसके शरीर को पूरा आधा खा चुका था, लेकिन फिर भी वो मुझसे कह रहा था अपने लास्ट अंतिम स्टेज पर पहुँच कर वो मुझसे बोल रहा था कि मैं यहाँ पे एक जानवर की तरह आया इस संस्थान में, लेकिन अब मैं यहाँ से एक एंजल की तरह जाऊँगा. क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा आपने और आपके सिस्टर्स ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा. तभी उस वक्त मदर टेरेसा ये बात सुन करके एकदम भावुक हो जाती है कि कैसे इस जो इंडिया है यहाँ के पीपल्स है कि ये लोग मरने के अंतिम स्टेज पर है इनके साथ इनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन ये इन्होंने ना किसी को ब्लेम किया ना किसी को गाली दी कि नहीं यही मेरा मरने का कारण है या फिर किसी से अपने को कंपेयर किया कि नहीं वो बच गया वो कितने अच्छे से हैं मैं मरने वाला हूँ ये सब तरह से उसने कुछ भी नहीं किया और बस एक एंजल की तरह उसने बस ये एक ऐसी बात कही. तभी मुझे लगा कि हाँ यहाँ के जो इंसान हैं वो बहुत ही ग्रेट है बहुत ही महान है. एंड दिस इज़ व्हाई वी बिलीव दैट जीजस ही सेड आई वॉज हंग्री आई वॉज नेकेड आई वॉज होमलेस आई वॉज अनवॉन्टेड अनलव्ड अनकेयर्ड फॉर एंड यू डिड इट टू मी. और मदर टेरेसा कहती है कि मैं ये सब चीज़ अपने मतलब या अपने फ़ायदे के लिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जीसस पर विश्वास है इसीलिए मैं ये सब काम करती हूँ. क्योंकि जीसस भी खुद यही सब बातें बोलते हैं कि जिनके पास घर नहीं हो जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हो जो भूखे हो जिनको प्यार नहीं मिलता है जिनकी देखभाल नहीं की जाती है जिसको लोग नहीं चाहते हैं वो लोग को भी आप लोग रखिए वो लोग की आप लोग मदद कीजिए और वो लोग को इस धरती का एक इस देश का एक अच्छा नागरिक बनाइए. तो बस मैं जीसस की बातों पर खड़ी उतरना चाहती हुई इसलिए बस मैं ये सब काम करती हूँ. तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी हार्ड लगा हो नहीं समझ में आया हो कोई भी क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हम आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे. और हाँ दोस्तों तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है. तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए. और हाँ दोस्तों चैनल में जो हमने वीडियो समझाया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है. और हाँ दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसके कारण वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम.